गुजरात में आम आदमी पार्टी का पंजाब वाला दाव, इशदान गढ़वी को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में भूस्खलन की चपेट में आने से ढहा मकान, हाथों में मां बेटी की मौत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में सेना ने घुसपैठियों की साजिश को किया नाकाम, तीन घुसपैठियों को मार गिराया। झारखंड में दो कांग्रेस विधायकों पर आईटी विभाग की कार्रवाई, एमएलए जयमंगल प्रदीप यादव के ठिकानों पर मारा छापा। इमरान खान पर हमले को लेकर पाकिस्तान में सियासी भूचाल, पीटीआई का देश भर में प्रदर्शन का ऐलान। 12 दौरे के दौरान सीएम गहलोत ने गुजरात मॉडल को बताया हवा हवाई, बोले हवाई सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं। ग्रेटर नगर निगम महापौर उपचुनाव मुकाबले की तस्वीर हुई साफ, भाजपा ने रश्मि सैनी को उतारा मुकाबले में, कांग्रेस की ओर से हेमा सिंघानिया मैदान में। राज्यपाल कलराज मिश्र से मिले नवनियुक्त डीजीपी उमेश मिश्रा, पदभार ग्रहण करने के बाद राज्यपाल से की शिष्टाचार के। राजस्थान हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट से भी बीएसपी को झटका, राज्यसभा चुनाव में बीएसपी के 6 विधायकों को वोटिंग से रोकने वाली याचिका खारिज। नाथद्वारा विश्वास स्वरूपम लोकार्पण समारोह में रामकथा का वाचन, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, सीपी जोशी सहित वैभव गहलोत भी रहे मौजूद। जयपुर के चाकसू में ओवरलोड वाहनों पर परिवहन विभाग की कार्रवाई, 5 ट्रक जब्त। धौलपुर के मोरोली गांव में छात्र को एक युवक ने मारी गोली, वहीं मुंह में छर्रे लगने से छात्र गंभीर रूप से हुआ घायल। दौसा के राजपुरा गांव में करंट लगने से युवती की मौत, ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट के सामने शव रखकर किया प्रदर्शन। कामा में हथियार के बल पर महिला दुष्कर्म का प्रकरण, उलाहना देने पर हुई लाठीपाटक जंग, वायरल वीडियो की पोस्ट इंडिया नहीं करता पुष्टि। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में पिता पुत्र पर हुआ हमला, हमलावरों ने तलवार से किया वार, दोनों गंभीर रूप से हुए घायल। चित्तौड़गढ़ के निकुम में चोरी और लूट करने वाले मास्टरमाइंड सहित 3 आरोपी गिरफ्तार, चोरी की 7 बाइक भी बरामद। चित्तौड़गढ़ की शंभूपुरा थाना पुलिस ने मादक पदार्थ की बड़ी खेप पकड़ी, 4 क्विंटल 7 किलो डोडा चूरा बरामद। पौली में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत, घटना के बाद दामाद और उसका साथी मौके से फरार, पीआर पक्ष ने लगाया हत्या का आरोप। जोधपुर के लोहावट में टाके में मिले परिवार के 5 लोग के शव, सूचना पर सीआई बद्री प्रसाद जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। बूंदी के शरायपाटन में पिकअप कार में हुई जबरदस्त भिड़ंत, हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। नागौर के बीआर मिर्धा कॉलेज रोड पर बड़ा हादसा, कैंपर ने स्कूटी को माई टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 2 घायल। भरतपुर में जलदाय विभाग के पाइपों में लगी आग, कुम्हेर के पेंदोर में रखे थे जलदाय विभाग के पाइप। निम्बाहेड़ा में 1 दिसंबर से शुरू होगी आरयूबी का काम, यूटिलिटी शिफ्टिंग को लेकर विभागों में बनी सहमति। भरतपुर में कलेक्टर आलोक रंजन ने पंचायत स्तरीय जनसुनवाई की, इस दौरान अनुपस्थित रहे अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। झुंझुनू में जिला कलेक्टर लक्ष्मण कुड़ी बने टीचर, 4th क्लास के छात्रों को पढ़ाया पाठ, मनरेगा कार्यों का भी किया निरीक्षण। भारतीय सेना के 75वीं कवचित रेजिमेंट ने बनाया स्वर्ण जयंती समारोह, इस दौरान वीर शहीदों को याद कर श्रद्धांजलि दी गई। भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के दामों में उछाल, सोना 50,000 चांदी 57,000 के पार पहुंचे। वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बनी न्यूजीलैंड, आयरलैंड को 35 रन से हराया। फिल्म राम सेतु बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरी, अब तक फिल्म की कुल कमाई 66,46,000 रुपए तक पहुंची। फिल्म कांतारा का कलेक्शन पहुंचा 300 करोड़ के पार, के जीएफ 2 के बाद सबसे ज्यादा कमाई करने वाली कन्नड़ फिल्म बनी।